तो स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई ठीक होंगे तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी के बारे में तो वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से गाइज आप अपने डिवाइस के अंदर अपने अनुसार बेस्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए तो पहले यार वीडियो को लाइक कर दो बाकी ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए न्यूज स्टेट के रिकॉर्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो चलिए यहाँ पर हम टाइम वेस्ट करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ मैं तो हूँ जैरो प्लेयर ठीक है मैं जैरो प्लेयर की सेंसिटिविटी पर बात करने वाला हूँ बाकी आप नॉन जैरो प्लेयर हो तो आप वीडियो देख सकते हो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो तो यहाँ पर पहले बात करते हैं नॉर्मल सेंसिटिविटी के बारे में जो आप चेकआउट कर सकते हो फ्री प्रेस्पेक्टिव सेंसिटिविटी होपफुली मैंने सही बोला होगा बाकी इसके अंदर गाइज आपको तीन सेंसिटिविटी देखने को मिलती है एक जर्नल दूसरा ड्राइवर और तीसरा पैराशूट की सेंसिटिविटी तो यहाँ पर पहले बात करते हैं जनरल के बारे में तो जनरल की सेंसिटिविटी जो यूज़ होती है वो आई बटन के अंदर यूज़ होती है तो टीपीपी कैमरा के अंदर जो मेरी जनरल सेंसिटिविटी है वो मैंने एक हंड्रेड रखी हुई है ये वाली सेंसिटिविटी यूज़ होती है आपके आई बटन के अंदर जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो ठीक है तो आप अपने अनुसार आई बटन की सेंसिटिविटी रख सकते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज अगर मैं ये जनरल वाइज सेंसिटिविटी जीरो कर दूं अब देखो जो आई बटन की मेरी सेंसिटिविटी वो मूव नहीं हो रही ठीक है टोटल जीरो हो चुकी है तो इस तरह गाइज आप आई बटन की सेंसिटिविटी पिक कर सकते अपने डिवाइस के अनुसार बाकी यहाँ पर बात करें अदर दो सेंसिटिविटी के बारे में जो है ड्राइवर तो गाड़ी चलाने के बाद आपकी ये सेंसिटिविटी यूज़ होने वाली है और बाकी जब आप लैंड होते मैच के अंदर जब आपका पैराशूट हवा में ओपन हो जाता तो वहाँ गए आपकी ये पैराशूट वाली सेंसिटिविटी यूज़ होने वाली है तो यहाँ पर आपको तीनों सेंसिटिविटी के बारे में पता चल चुका है तो आप अपने डिवाइस के अनुसार ये तीनों सेंसिटिविटी को पिक कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में जो जयरो के अंदर मोस्टली यूज़ होती है कैमरा एंड स्कोप सेंसिटिविटी ये पहली सेंसिटिटी इसकी आलमोस्ट हर वक्त यूज़ होती है चाहे आप जायरो प्लेयर हो चाहे आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो यहाँ बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में मान लो कि मैंने पहली सेंसिटिविटी नॉर्मल जो जर्नल है मैंने इसे जीरो कर दिया है और यहाँ पर आप डिवाइस का जो टच है वो चेकआउट कर सकते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो एम है अपना कैमरा है वो लेफ्ट राइट घुमाने की बट यहाँ पर वो सेंसिटिविटी काम नहीं कर रही क्योंकि हमने सेंसिटिविटी को जीरो कर दिया है तो यहाँ फिर से वापस चलता हूँ सेटिंग के अंदर तो मैं अपनी सेंसिटिविटी फिर से वापस एक कर देता हूँ जो पहले थी और यहाँ पर गाइज आप काफ़ी आसानी से अपना जो कैमरे का एंगल वो मूव कर सकते हो ठीक है अब गाइज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर मैं फिर से जाऊँ सेंसिटिविटी के अंदर तो यहाँ आपको दो सेंसिटिविटी देखने को मिलती हैं एक तो जनरल एक होती है फायर वाली ठीक है तो फायर वाली का क्या बेनिफिट होने वाला है ये आप कैसे सेट कर सकते हो तो यहाँ पर जो फायर की सेंसिटिविटी है इस वाली इसको मैं जीरो कर देता हूँ अब देखना ध्यान से पहले जो देखो नॉर्मल जनरल सेंसिटिविटी आप लेफ्ट राइट -right कर सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है बट जैसे आप फायर कर रहे हो जो एम है आपका स्टक हो रहा है मूव नहीं हो रहा ठीक है तो यहाँ पर गाइज़ आपकी दो सेंसिटिविटी देखने को मिलती हैं हर एक स्कोप के साथ या फिर ए के साथ यहाँ पर गाइज़ आपको दोनों सेट करनी पड़ेंगी एक तो आपकी नॉर्मल एम के लिए होगी जो आप लेफ्ट राइट -right कर सकते हो और दूसरा तो जब आप बिना स्कोप ओपन किए फायर करोगे तो यहाँ पर गाइज़ जो फायर की सेंसिटिविटी तब यूज़ होगी वहाँ पर गाइज़ आप अपना एम एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकते हो बट यहाँ पर आपको अपनी फायर की सेंसिटिविटी सेट करनी पड़ेगी तो यहाँ आपको मैं फिर से दिखाता हूँ तो नॉर्मल गाइज़ अभी मैं फायर की सेंसिटिविटी एक कर देता हूँ अब देखो ध्यान से जैसे मैं फायर कर रहा हूँ साथ ही गैज मैं अपना एम को ना एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ पर जनरली गाइज जो सेंसिटिटी यूज़ होती है वो कैमरे के लेफ्ट राइट अगर आप कैमरा घुमाते तो नॉर्मली यूज़ होगी बट जैसे गाइज आप विदाउट स्कोप ओपन किए हुए क्लोज एंड फाइट करते तो वहाँ गाइज फायर करने के वक्त आपकी फायर सेंसिटिविटी यूज़ होने वाली तो यहाँ अपने डिवाइस के अनुसार गाइज यहाँ पर आप अपनी फायर सेंसिटिविटी सेलेक्ट कर लेना चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं यहां पर जेरोस्कोप की अदर सेंसिटिविटी के बारे में तो जैरोस्कोप के अंदर पहली सेंसिटिविटी आती है टीपीवी कैमरा तो इसकी जनरल सेंसिटिविटी मैंने दो पर रखी हुई है तो यहाँ देखो जैसे गाइज आप अपना डिवाइस को मूव कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जैरो वर्क कर रहा है ठीक है आप अपना एम देख सकते हो लेफ्ट राइट बट यहाँ पर गाइज आप देखो मेरे जनरल के अंदर जो फायर सेंसिटिविटी है वो मैंने रखी है 205 तो ये वाली सेंसिटिविटी मेरे तब यूज होगी जब मैं क्लोज रेंज में जहाँ विदाउट स्कोप ओपन करके मैं गोलियां चलाऊंगा तो मान लो कि अगर मैं इस सेंसिटिविटी को जीरो कर दूँ ठीक है अब देखना होगा क्या तो यहाँ पर गैस जो अपना जायरो है वो वर्क कर रहा है मैं लेफ्ट राइट right अपना एम कर रहा हूँ अपना कैमरा का एंगल कर रहा हूँ बट जैसे मैं फायर कर रहा हूँ अब देखो जो एम है एक जगह स्टक हो रहा है ठीक है मूव नहीं हो रहा है आपका एम तो ये वाली सेंसिटिविटी आपकी तब यूज़ होगी जब आप नॉर्मल गोलियाँ चलाओगे विदाउट स्कोप ओपन करके तो यहाँ पर अपना जो कैमरा का एंगल है वो तो मूव हो रहा है बट जैसे मैं फायर कर रहा हूँ तो जो क्रॉस है वो एक जगह स्टक हो जाता है मूव नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि हमने जो फायर की सेंसिटिविटी वो जीरो की हुई है तो यहाँ मैं फायर की सेंसिटिविटी फिर से नॉर्मल कर देता हूँ कैमरा तो मूव कर रहे थे और साथ ही अब देखो फायर करने के वक्त अब देखना ध्यान से हम अपना एम एक जगह से दूसरी जगह स्विच भी कर रहे हैं क्योंकि फायर करने के वक्त यहाँ पर गाइज आपकी फायर वाली सेंसिटिविटी ही यूज़ होगी तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ जो आपकी नॉर्मल जनरल सेंसिटिविटी होगी वो आपका कैमरे का एंगल मूव करने के लिए यूज़ होगी बट जैसे आप गन से गोलियाँ चलाओगे और गोलियाँ चलाने के वक्त अगर आप अपना एम एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना चाहते तो वहाँ गाइज आपकी फायर सेंसिटिविटी ही यूज़ होगी और अगर हम बात करें स्कोप के बारे में तो हर एक स्कोप के साथ गाइज आपको दो सेंसिटिविटी देखने को मिलने वाली एक तो भाई स्कोप मूड वाली सेंसिटिविटी जो आप नॉर्मल स्कोप ओपन करके अपने कैमरे का एंगल मूव करोगे लेफ्ट राइट जहाँ पर एम होगा बट दूसरी फायर सेंसिटिविटी स्कोप के अंदर तब यूज़ होगी जब आप कोई भी स्कोप ओपन करके फायर करोगे तो वहाँ गाइज आपकी फायर वाली सेंसिटिविटी यूज़ होगी जिससे आप रिकॉल कंट्रोल कर पाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी करने के लिए आप कोई भी स्कोप की सेंसिटिविटी पिक कर सकते हो तो मान लो कि थ्री है थ्री के अंदर यहाँ पर स्कोप मूड के अंदर मेरी सेंसिटिविटी एक है और फायर के अंदर सेंसिटिविटी मेरी एक है ठीक है तो यहाँ आप ध्यान से देखना तो जब गाइज मैं स्कोप को ओपन करता हूँ थ्री को तो यहां पर मैं जस्ट नॉर्मल चेकआउट कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह एम को देख रहा हूं ठीक है तो यहां पर गाइज आपकी 126 वाली जो स्कोप मोड वाली सेंसिटिविटी वो यूज होगी और जैसे आप फायर करोगे तो वहां गाइज आपकी 102 वाली सेंसिटिविटी यूज होगी फायर सेंसिटिविटी तो जिससे गाइज आप अपना रिकॉल भी कंट्रोल कर सकते हो तो होपफुली यहां से आपको थोड़ा सा अंतर समझ आ चुका होगा दोनों सेंसिटिविटी के अंदर आपको क्या अंतर देखने को मिलता है अगर आपको समझ नहीं आया फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो यहाँ गाइज आप मेरे फोर एक्स की सेंसिटिटी चेकआउट करो तो स्कोप मोड के अंदर मेरी सेंसिटिविटी 70 है और फायर मोड के अंदर मेरी सेंसिटिविटी 105 है तो यहां पर पहले मैं 4X को पहलेक्ट कर लेता हूं अब देखो ध्यान से जैसे मैं फोर को ओपन कर देता हूं तो यहां पर मैं जस्ट नॉर्मल चेकआउट कर रहा हूं ठीक है अपने एम को तो यहां पर गाइज मेरी स्कोप मूड वाली सेंसिटिविटी यूज होती है जो सत्तर मैंने रखी हुई है बट जैसे आप स्कोप ओपन करते हुए फायर करोगे तो यहां पर गाइज आपकी फायर सेंसिटिविटी यूज होगी जो मैंने एक सौ पांच रखी हुई है ठीक है जिससे गाइज आप रिकॉल कंट्रोल कर पाओगे तो इस तरह गाइज आप हर एक स्कोप की सेंसिटिविटी अपने अनुसार पिक कर सकते हो तो होपफुली यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ आ चुका थोड़ा सा आइडिया आ चुका कि आप अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो अपने डिवाइस के अनुसार तो लास्टली मैं यही कहूँगा कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी डाउट है सेंसिटिविटी को लेकर या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया सेंसिटिविटी वाला तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं यार आपकी पूरी हेल्प की जाएगी तो वीडियो आपको यूज़फुल लगी जरा से भी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए न्यूज स्टेट मोबाइल के रिकॉर्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक टेक केयर आई होप यू गाइज अ ब्यूटफुल डे थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग